हाँ जी, हम लोगों ने कुछ बहुत ही मजेदार पढ़ा। पता नहीं, शायद मैं अकेला ही एंजॉय कर रहा था। उस मजेदार में एक तकलीफदेह चीज भी थी, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन। डेफिनेशन को तीन हिस्सों में तोड़ लेने से ना आसान हो जाएगा। और ये बड़ी डेफिनेशन है, अगर थोड़े बहुत अल्फाज आगे पीछे भी हो गए तो चलो ठीक है, इतना थोड़ा बहुत चलता है। एक आध नंबर जाया हो भी जाना चाहिए कभी कभी, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, लॉजिकली जहन में रखेंगे तो पेपर में शायद इतनी बड़ी डेफिनेशन लग सकेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो प्रोस्पेक्टस है वो कोई नोटिस, डॉक्यूमेंट, सर्कुलर, पब्लिकेशन, इनविटेशन, ऑफर, इस तरह के चंद अल्फाज दीजिए। मैं पहली चीज। दूसरी चीज, ये इन्वाइट कर रहा है जनरल पब्लिक को कि वो आए और कंपनी की सिक्योरिटीज वगैरह में परचेज करे, ये दूसरा वो। और तीसरा, दिस इज नॉट दैट थिंग जो बैंक वाले लोगों से डिपॉजिट मांगते हैं या एनबीएफसी वाले, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वाले सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मांगते हैं। तो ये तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो पेपर में अगर भूल भी गई तो शायद आप नियर टू एक्चुअल के तक पहुंच जाएं और ना याद होने की जरूरत में भी कुछ ना कुछ नंबर ले लें। लेकिन याद करने में ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप गौर से किसी दिन लिस्ट बनाने बैठे तो शायद पूरे लॉ में कोई 24-25 डेफिनेशन बने। आप गौर से देखें तो सही, कहाँ होती है बहुत डिविडेंड के चैप्टर में, कहाँ थी डेफिनेशन ही नहीं डिविडेंड के चैप्टर में। वाइंडिंग अप के चैप्टर में कौन कौन सी थी डेफिनेशन, डेफिनेशन तो नहीं। चलें, 12वें में हमें नजर नहीं आई, 11वें में अकाउंट्स में डेफिनेशन है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी काबिल जिक्र डेफिनेशन तो नहीं है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल। उसके अलावा सीएफओ को तो नहीं बताना खाता डेफिनेशन क्या रहता है, चैप्टर 11 में नहीं थी रिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो आप ये देखेंगे चैप्टर 12-11 में मिला के भी तक दो तीन डेफिनेशन। चैप्टर नंबर 10 की तरफ आते हैं, प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, उसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड के लिए तीन डेफिनेशन पूरे। चैप्टर 9 में हमने देखा 9 के बराबर, चैप्टर 8 मीटिंग्स वाला क्या डेफिनेशन है, टोटल ले देके हम कह सकते हैं जबरदस्ती ऑर्डिनरी बिजनेस की डेफिनेशन, क्योंकि वो चार होते हैं। अदरवाइज आपको पूरे चैप्टर में डेफिनेशन ही नजर नहीं आ रही या है कोई जो मिस हो गई। ठीक है, चैप्टर 7 में जाके देख लें, मॉर्गेज एंड चार्जेस में डिबेंचर की शायद डेफिनेशन हो, शायद ना हो, बाकी मॉर्गेज, प्लेज और चार्ज, ये दो तीन छोटी छोटी सी डेफिनेशन। चैप्टर 6 की हमने बात कर ली, चैप्टर 5 कौन सा था, शेयर कैपिटल है कुछ उसमें डेफिनेशन, नो सर, ज़्यादा ज़्यादा वो नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, एक ही क्लाइंट है। चैप्टर 4 अदर ऑफिसर्स में सेक्टरी की डेफिनेशन है, हाँ वो एक मुश्किल है। चैप्टर 4 में भी टेक्निकली सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन है जो हमें परेशान कर सकती है। चैप्टर 3 में आगे देखें, डायरेक्टर की डेफिनेशन से तो नहीं परेशान। तो चैप्टर 2-1 सब मिला बोलोगे ना, मतलब शायद आप सिलेबस में तो 20 ऐसी डेफिनेशन आइडेंटिफाई करें जो बाकी मुश्किल है या जिनके लिए थोड़ी सी दिक्कत चाहिए। तो अगर एक पूरा 100 नंबर का पेपर हो उसमें सिर्फ 20 डेफिनेशन ऐसी हो जो दिक्कत देने वाली है तो फिर उनको तो रट लेना चाहिए। तो मैंने बाकी किसी जगह नहीं कहा आपने किताब के अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, आप अपने अल्फाज इस्तेमाल करें। डेफिनेशन में मैं कहता हूँ कि बेहतर है कि आप किताब के अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पेपर को खुद से लिखेंगे तो उसकी बहुत सारी काम की बातें आगे पीछे हो जाएंगी। आई कैप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया आप लीगल लैंग्वेज पेपर में लिखें, लेकिन डेफिनेशन में जार्गन में हमने कहा है कि ये एक्सपेक्ट के लोग वो जो जार्गन ऑफिशियल जो उसका मतलब है वो हमें बताएं। तो खैर, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन कोई भी सुनाएगा, कोई वॉलंटियर, चले कोशिश करें। प्रोस्पेक्टस
प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट, इससे थोड़ा आगे तक तो मैं भी जा सकता था. एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और डिस्क्राइब एज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इंक्लूडेड एनी नोटिस इनविटेशन टू ऑफर जनरल सर्कुलर मीटिंग एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशंस और ऑफर टू इनविटेशन इनविटेशन टू ऑफर इनविटेशन और ऑफर टू जनरल पब्लिक. ठीक है. Inviting offer from public to subscribe for securities of the company. Other than yes. Certificate of deposit issued by banks or certificate of investment and certificate of deposit issued by regulatory authority. इन्होंने छोटी छोटी सी बीच में गड़बड़ी की, जैसे इन्होंने मीटिंग के बीच में डाल दी वो थोड़ा सा गलत हो गया. उसके अलावा थोड़े बहुत अल्फाज आगे पीछे हुए. तो अगेन वही बात है कि प्रोस्पेक्टस में अगर आप वो तीन हिस्सों में तोड़ लेना तो कम से कम आप करीब करीब पहुंच सकते हैं, जो कि मेन ख्वाहिश है कि करीब करीब रटा मार ले तो वो तो सबसे बेस्ट बात है. प्रोस्पेक्टस से आगे गए, हमने कहा कि एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है, सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट जो एक वक्त में एक से ज्यादा मल्टीपल ऑफरिंग का तस्करा कर रहा हो और जिसके बाद फिर वो अपने से आगे वाले प्रोस्पेक्टस का जिक्र कर रहा हो. और जो बाद में आने वाला प्रोस्पेक्टस है ये कौन होता है? सप्लीमेंट होता है. सप्लीमेंट में कोई खास बात हमने फॉलो करनी होती है? अपडेटेड डिस्क्लोजर, उस वक्त की डेट के अपडेटेड डिस्क्लोजर. प्रोस्पेक्टस की टाइमिंग क्या है, कब इशू किया था? जब भी कंपनी को जरूरत पड़ी वो कर सकती है. इवन 32 ही कमेंसमेंट से पहले पहले भी इशू कर सकते हैं, और ना करने पे आए तो हो सकता है पूरी जिंदगी इशू ना करें. यस सर. तो ये कभी भी हो सकता है. पर्पस क्या है? इनविटेशन जनरल पब्लिक को, ताकि वो आए और कंपनी की सिक्योरिटीज खरीदें और जनरल पब्लिक को वो मिल जाए इन्फॉर्मेशन, और प्रोस्पेक्टस से जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट सही से प्लान कर लें. और जो असल बैकएंड पे छुपा हुआ प्रपोजल है वो ये कि कंपनी को बड़े पैसे चाहिए, कंपनी को फाइनेंसिंग चाहिए एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और वो लोन की तरफ नहीं जाना चाह रहे. वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जो हमारे अपने अंदर के पैसे हो, हमें वापस करने की कोई जल्दी ना हो, हमारे सर पे कोई आके बैठ ना जाए कि नहीं जी ऐसे होगा ये ऐसे होगा वगैरह वगैरह. ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं. प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलने पे क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह का. क्रिमिनल लायबिलिटी कितने रुपए की है? नहीं बताई उन्होंने, बस ये कहा कि जो प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलेगा दैट इज एन ऑफेंस, और उसने एक क्राइम किया और क्राइम की उसको सजा मिलेगी. 50 मिलियन फाइन होता है. 50 मिलियन 5 करोड़ सिलेबस में नहीं है हमारे, चूंकि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन 50 मिलियन का फाइन होता है प्रोस्पेक्टस में झूठ बोला, क्योंकि आपने पूरे पाकिस्तान से झूठ बोला है. फिक्स है? फिक्स 50 मिलियन. मतलब ये है कि अगर साबित हो जाए आपने झूठ बोला और इरादतन झूठ बोला है, तो फिर वो इंडिविजुअल जिसने उस झूठ को किया, जिसने उसे प्रोसेस किया, जिसने उसको ओके किया, जो सारे लोग उस प्रोसेस में, तो उन सबको फरादा फरादा 50 करोड़ मिलेगा. गुस्सा बड़ा है लोगों को, आपने पूरे पाकिस्तान से झूठ बोला है. 22 करोड़ एडवांस. हाँ, काश इस तरह के लोग कहीं और भी होते जो लोग सारे कौम से झूठ बोलते रहते हैं. तो खैर, यहाँ कौम से झूठ बोलने पे काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा. अच्छा जी, क्या कोई कंपनसेशन, किसी को लॉस हुआ है तो कंपनसेशन में मान सकते हैं? जिसको प्रोस्पेक्टस में दी गई झूठी इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत चीज पता लगी और उसने गलत चीज की बेस पर वो गलत डिसीजन ले लिया, तो ऐसे में वो जिसने प्रोस्पेक्टस को प्रूव किया था, ओके किया था, यानी कि हर वो शख्स जो उस प्रोसेस में उस झूठ में इन्वॉल्व था, जो साबित हो जाएगा झूठ में इन्वॉल्व था, वो उन लोगों से रिकवर कर सकता है अपना एक्चुअल नुकसान जो उस बंदे का हुआ. यानी वो साबित करेगा कि अगर आप मुझे इतना धोखा देते मैं ये ना खरीदता, मैंने खरीदा और ये शेयर इतना नीचे गिर गया है और ये सब आपकी वजह से हुआ है, तो वो नुकसान उसे रिकवर करेगा. डन? कोई सवाल यहाँ तक है तो बताएं, नहीं तो आगे इस प्रोसेस को चलाएं. यही ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है ना, यानी हम कह रहे हैं कि ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक ऐसा ऑफरिंग डॉक्यूमेंट है जो कुछ और ऑफर्स का भी बताएगा, कुछ बाद में आने वालों का भी बताएगा, और वो बाद में आने वाली उस टाइम और उस वक्त होंगी जैसा कि इस ऑफरिंग डॉक्यूमेंट में बताया जाता है. तो इस वक्त ये ऑफरिंग डॉक्यूमेंट इसी कागज को कह रहे हैं.
दोबारा से एक दफा जुमला देखें नहीं मतलब इसके पीछे से जुमला लेंगे इट इज अ सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट अलाउइंग कंपनीज टू मेक मल्टीपल ऑफरिंग्स एज डिस्क्लोज्ड इन द ऑफरिंग डॉक्यूमेंट मतलब ये सिंगल डॉक्यूमेंट है जो बता रहा है कि कुछ मल्टीपल ऑफरिंग होंगी किस तरह से होंगी जो कि ये बता रहा होगा तो जैसे इसने बताया है उस तरह से ये प्लान देगा कि मल्टीपल ऑफरिंग जी प्रोस्पेक्टस सर अगर कंपनी अपनी लाइफ टाइम में एक ही प्रोस्पेक्टस इशू करे तो वो उसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस ही कहेंगे नहीं शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब सिर्फ तब है जब आपको एक कनेक्टेड प्रोस्पेक्टस देना है एक ऐसा प्रोस्पेक्टस देना है जिसके साथ आपको एक नहीं एक से ज्यादा दफा लोगों से पैसे मांगने हैं अगर कंपनी जिंदगी में एक ही दफा लोगों से पैसे मांगे और वो सिंगल टाइम मांगे एक ही प्रोजेक्ट हो तो सिंपल प्रोस्पेक्टस आएगा फिर आपको ये देने की जरूरत नहीं है शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता ही तब है जब कोई सप्लीमेंट भी हो यानी जब आप दो से तीन या दो या दो से ज्यादा किस्तों में पैसे मांग रहे हैं तो फिर पहली किस्त शेल्फ बन जाती है और बाद वाले सप्लीमेंट्स बन जाते हैं जी सर जो फाइलिंग होगी शेल्फ प्रोस्पेक्टस के केस में जी तो जो सप्लीमेंट है उसकी वो भी फाइलिंग जी शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो या सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टस हो इन सब के ऊपर सारे रूल्स वही अप्लाई करेंगे जो प्रोस्पेक्टस है उसी तरह से अप्रूव होंगे उसी तरह से अखबार में आएंगे उसी तरह से सारा जो कुछ हमें चैप्टर में पढ़ेंगे ना वो सबका सब सप्लीमेंट भी अप्लाई करता है वो सबका सब शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी क्योंकि ये अपने अंदर फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस है सिर्फ हमने इनका नाम बदला है इनकी नेचर की वजह से अदरवाइज ये एक जनरल प्रोस्पेक्टस है जी तो जिस शेल्फ प्रोस्पेक्टस में ऑफरिंग्स दे रहे हैं क्या उसमें सब्सक्रिप्शन भी हम ले सकते हैं अगेन जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसमें आप मल्टीपल ऑफरिंग का जिक्र कर रहे हैं और पहली दफा की ऑफरिंग के पैसे मांग रहे हैं जी सर प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो कंपनी ने फाइनेंसिंग उनको रिक्वायर्ड थी अगर वो नहीं हुई पूरी ठीक है तो क्या होगा याद करो क्या होगा अगर कंपनी ने कहा हमें पैसे चाहिए 5 करोड़ आवाम की तरफ से आए 3.5-4 करोड़ अंडरराइटर मौजूद है वो आएगा वो खरीद लेगा और उसको शेयर मिल जाएंगे जी सर वो इधर पर्पस में आपने कहा कि जैसे वो मेन पर्पस तो होता है कि कंपनी लोन लेने से भागना चाहती है बिल्कुल उन्हें वो इंटरेस्ट लगा ऐसा ही है तो फिर इधर उन्होंने क्यों नहीं लिखा इधर पर्पस क्यों उस तरह से लिखा हुआ है इधर आवाम की नजर में पर्पस लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टस का क्या पर्पस है आपको प्रोस्पेक्टस से क्या लेना देना कंपनी प्रोस्पेक्टस क्यों इशू कर रही है आपको इससे क्या फायदा होगा आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ऑफर कर रही है आपको कंपनी के बारे में पता लग जाएगा आपको कंपनी का प्रोसेस पता लग जाएगा और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो तो इन्होंने आवाम के पर्सपेक्टिव से बताया कि प्रोस्पेक्टस का क्या पर्पज है अब मैं आपको बता रहा था पीछे कंपनी के लिए क्या पर्पज है कंपनी के पास पर्पज ये है कि उसको पैसा चाहिए कंपनी ने एक प्रोजेक्ट वो कंपनी की नजर में और कंपनी लोग आवाम की नजर में बात कर रहे हैं कि आवाम को प्रोस्पेक्टस का क्या पर्पज है उनको क्या फायदा है जी इसमें फॉर्मेट यूज होता है स्केड्यूल 1 है पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 का हमारे सिलेबस में नहीं है एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर देखे ना जब लॉ हर छोटी से छोटी चीज के कंटेंट डिफाइन करता है तो इसके तो अपने प्रिस्क्राइब कंटेंट है उन्होंने कहा इसके वो कंटेंट और वो होंगे जो बता दिए जाएंगे तो प्रिस्क्राइब है कभी मूड बने तो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 स्केड्यूल 1 उसमें उन्होंने सारी चीजें दी हुई है कि इसमें क्या क्या होता है जी आप कुछ कह रहे थे प्रोस्पेक्टस अभी तक जो सर प्रपोज्ड डायरेक्टर प्रपोज डायरेक्टर का मतलब है जो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं फर्स्ट करें कंपनी आई और आते साथ ही प्रोस्पेक्टस दे दिया अब आपको याद होगा कि कंपनी बनते साथ ही बताती है कि कौन कौन से हमारे डायरेक्टर्स होंगे तो अब अगर आप साथ में प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं तो उसमें वो डायरेक्टर जो आपने की कहा है कि इस कंपनी के होंगे वो साइन कर रहे हैं इलेक्टेड डायरेक्टर इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड शुरुआत तो सिलेक्टेड होते हैं ना जब एक बार कंपनी चल पड़ती है तो उसके बाद फिर वो 3-3 साल बाद वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है तो पहली दफा वाले सिलेक्टेड होते हैं सर ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट जो होती है तो ये आजकल स्कैम चल रहे हैं सर इसको इनको पेनल्टी नहीं होती है नहीं ये पकड़े जाते हैं लेकिन ये भाग भी जाते हैं जरा तेज होते हैं ना जिन्होंने जितना बड़ा फ्रॉड करना होता है वो उतने बड़ा प्लान लेके आते हैं तो वो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं पर गायब हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड करने में आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं फिजिकली किसी जगह से चोरी कर लो आपको खुद आना पड़ता है लेकिन तारों के अंदर से कुछ चोरी कर लो इलेक्ट्रॉनिक चोरी कि इलेक्ट्रॉनिकली आपने एक जगह बैठ के एक वो क्रिएट किया सर्वर और सर्वर से कुछ चीज़ ऑटोमेटिकली गई कंपनी के सिस्टम में और वहाँ से चीज़ें चोरी करके वापस ला के आपको दे दिया किसी को भी नहीं पता लग जाएगा क्या वो लेके भाग जाते हैं तो ये मतलब वही बात है कि आज के चोर भी तो जदीद हो गए ना जब हर चीज़ ही इतनी जदीद हो गई तो ऐसे में पर चोरों ने भी डिजिटल मोड्स अडॉप्ट कर लिए उनके लिए आसान है चोर छोड़े दहशत कर दो
पहले दहशत गर्दों ने तंग करना होता था, परेशान करना होता था, वो धमाके करते थे, इस तरह से करते थे, पूरे मुल्क को अगर किसी ने तकलीफ देनी हो तो एटम बम इस्तेमाल हो सकता है, अब तो पूरी दुनिया को तकलीफ देना बड़ी आसान हो गई है। कोविड, अब कोविड पहली दफा वाला नेचुरल है, बाकी ये सब बनाए जा रहे हैं, अब सब पागल बना रहे हैं। अब एक आसान तरीका मिल गया ना लोगों को तंग करने का, किसी भी वक्त किसी भी सुपर पावर ने रेगुलेट करना है पूरी दुनिया पे कि अच्छा आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस तरह से हो, तो ठीक है सही है, वो अपनी पसंद के अपनी पसंद की वबा फैल दे। ओवर से कई इलाके तो ऐसे होंगे जो बेचारे पलट के नहीं से पूछेंगे आप बताएं इसका सोल्यूशन क्या है, और फिर वैक्सीनेशन भी किस तरह की भेजी जाए, किस क्या हो, कब कंट्रोल किया जाए, तो इतनी सारी मिथ्स है। तो आज के दौर के चोर और दहशत गर्द भी जो है वो जदीद हो गए और हम अभी तक पुराने दौर की बातें पढ़ा रहे हैं। हमें अपनी सिलेबस इस दफा जब रिपेंट किया तो आईकेप ने कहा कि हम इसमें जद्दत के तकाजे ऐड करेंगे और हम जदीद बातें ऐड करेंगे, और वो सारा कुछ करने के बाद पता चला कि जो पहले था वो भी कर गया, जो हाँ पहली वाली चीज थी वो भी गाइड कर गई। अब पूरे हमारे कैप में अगर कोई जिद्दत की बात हो रही है तो वो एमएफए की एक चैप्टर में हो रही है बस, अदरवाइज पूरा कैप हमारा कहीं नहीं बता रहा कि जिद्दत कहाँ है। हैंड्स ऑन कोर्सेज में उन्होंने सोचा है, अभी जब वो डेवलप करने बैठेंगे ना तो उस वक्त भी उनसे नहीं समझ आ रहा, अल्लाह करे फिनटेक सही से चला रहे, ठीक है, बहुत सारी मजे के वो है इनिशिएटिव, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लोगों ने फिर क्या करना है, लोगों ने सीखना थोड़ी है, बच्चों ने जाके पैसे देके सर्टिफिकेट देना, ये प्रॉब्लम है। मतलब पीसीएसई इतना अच्छा कोर्स है कम्युनिकेशन के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इतना मसला है कम्युनिकेशन का, हमारी फील्ड के आधे लोग आगे नहीं जा पाते कि उनको उनको अच्छा बोलना नहीं आता, और अक्सर एमबीए मुख्तलिफ जगह पे आगे चले जाते हैं क्योंकि उनको बोलना आता है, वो सेठ के करीब जाके उसको सारा क्रेडिट लेना जानते हैं, काम नीचे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं किया वो होता है, और आगे से उसका बेनिफिट कोई एक ऐसा बंदा ले जाता है जो पूरा दिन सिर्फ लैपटॉप पर बैठा रहता है, जिसको अच्छा लिखना आता है, एक प्यारी सी ईमेल करता है उसको प्रमोशन मिल जाती है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट दो साल मेहनत करता रहता है उसको प्रमोशन नहीं मिलती। सॉफ्ट स्किल्स, तो कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी स्किल है, और आईकेएफ ने इस पर पूरा कोर्स डेवलप करके रखा है, लेकिन फिर उन बच्चों का क्या करें जो पैसे दे के सर्टिफिकेट खरीदते हैं, कॉलेजेस अच्छे तरीके से कराते हैं बच्चे नहीं करना चाहते, किसी भी शहर में एक दो ऐसे कॉलेज जरूर होते हैं जो ईमानदारी से करा रहे होते हैं बीसीएससी, और बच्चे उन दो कॉलेजेस के पास कभी भी नहीं जाते, मतलब इसमें कोई गारंटी, ये बेचारे पैक स्कैन ये दोनों बड़े मजलूम कॉलेज हैं, दोनों बहुत ईमानदारी से कराते हैं और दोनों के पास सबसे कम बच्चे जाते हैं, चूंकि ईमानदारी से कराते हैं, बच्चों को मौत पड़ जाती है कि नहीं भाई हमने आके तकरीरें नहीं करनी, हमने आके ये एक्टिविटीज नहीं करनी, हमने आके इंटरव्यूज नहीं देने, बस हमें बताओ कि हमने कब पैसे जमा कराने और किस दिन आना है सर्टिफिकेट उठाने, तो ऐसे में फिर टोपी ड्रामा कॉलेज बहुत ज्यादा फायदा उठाता है, वो कहता है ठीक है आ जाओ पढ़ो जिस मर्जी कॉलेज से पीसीएससी हमसे करो। एक सेशन था जिसमें हमारे पास ना स्कैन में अच्छी खासी तादाद थी और एक बैच पीसीएससी का बना और मैनेजमेंट वाले सोच रहे थे कि दूसरा बैच क्यों नहीं बन पा रहा, उस वक्त एक छोटे से कॉलेज ने मुझे बताया कि वो 50 बैच बना चुके हैं पीसीएससी, 50 बैच, पता ही लगा कि वो अपने बच्चों से कम कमाते हैं और पीसीएससी से ज्यादा कमाते हैं, 4,000 रुपए 3,000 रुपए बच्चों से लेके 30-30 बच्चों के बैच बना बना के, और जनाब उन्होंने 50 बैच पूरे कर दिए। क्या है बिजनेस मॉडल है ना, उन्हें समझ आ गया, उन्होंने ठीक है सही है, वो ईमानदार है, हम अपनी अपनी डोमेन से जा लेते हैं, तो ये होता है। मतलब सीए फाइनल में हमें बड़ा होता था, स्टूडेंट्स को कहते थे आप सही से करो, एक सेशन था 600 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे सीए फाइनल के, यानी कि वो 600 बच्चे अगर हमसे पीसीएससी करते हैं तो 20 बैच बनते हैं हमारे, हम परेशान कि टीचर्स अरेंज करने हैं इतने सारे बैचेस कैसे हैंडल करेंगे ये वो, पता लगा एक बैच बना हमारा और 19 बैच जो है वो हम साइकोलॉजी को जाके बन गए फलाना जगह जाओ पैसे दो और कुछ दिनों बाद जाके सर्टिफिकेट ले लो, इसमें एमबीए का तो कसूर नहीं है, इसमें तो सीए का खुद का कसूर है कि वो खुद चाहता नहीं है, यही बात है कि थोड़ा सा मेहनत सिस्टम ने करनी होती है, थोड़ा सा इंडिविजुअल्स ने करनी होती है, तो सिस्टम में आईकेएफ ने अपनी तरफ से कुछ मेहनत डिफाइन की है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिफाइन की, जब हम कहते हैं ना आईकेएफ ने क्या किया हमारे लिए हमारे फ्यूचर के लिए क्या कर रहा है, वो कर रहा होता है, लेकिन हम फिर उसमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करते,
अगर हम प्रॉपर तरीके से वो सारी एक्टिविटीज करें जो आईकैप ने प्लान की है, तो हम काफी हद तक अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए कैफ के अंदर थोड़ा सा उन्होंने एमएफए के अंदर एक आध चैप्टर डाला टेक्नोलॉजी के हवाले से, और बाकी ये जो कोर्सेज हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज, इसमें उनकी कोशिश है कि अगर बच्चे सही से करें, अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही कोर्स सही से कर लिया जाए ना, ऑफिस में आपको आधी कमांड इसकी वजह से मिल जाती है। जितने भी ऑफिस में जो कुछ भी चल रहा होता है ना, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे अच्छी ग्रिप हो, खासतौर पर जिसको एक्सेल पे बहुत अच्छी ग्रिप हो, वो तो वहाँ राज कर रहा होता है, वो उसको हर काम, उसके आधे काम बड़े आराम से सॉर्टेड आउट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आगे हैंड्स ऑन कोर्स आप पे अप्लाई करें या ना करें, जब भी अप्लाई करें और आपने देने हो, तो कोशिश कीजिएगा एक दफा ईमानदारी से करें। पेपर होंगे इसमें भी आईकैप ने कुछ चीजें डिफाइन कर दी है कि क्या इसको इंटरनल रखना है या इसको एक्सटर्नल रखना है। तो वो अगर आईकैप अपना पेपर रखेगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये रेगुलेट होंगे। और अगर आईकैप ने ऐसी कर दी है जैसे बीसीएससी के कॉलेज वाले बताएंगे कि यहाँ पे बच्चा आया था, बाकी सब कुछ हुआ था, बस फिर ये दो नंबर तरीके से होता है। लेकिन क्वालिटी वाइज अबू बकर कैंपस का काफी बेहतर है, थोड़ा सा शशके मशके उसमें थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा देसी हो जाता है जी। चले आगे, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड ऑर्डर, अब ये जो प्रोस्पेक्टस है, हमने कहा प्रोस्पेक्टस को अप्रूव करवाना जरूरी है एसईसीपी से। अब एसईसीपी से प्रोस्पेक्टस को अगर आपने अप्रूव करवाना है तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि जिस दिन भी आप अखबार में इश्तिहार देना चाह रहे हैं प्रोस्पेक्टस का, कम से कम 21 दिन पहले आपको एसईसीपी से उसकी अप्रूवल जमा करा देनी है। आपने एसईसीपी को अप्लाई कर देना है कि हाँ भाई ये आपको हम प्रोस्पेक्टस जमा करा रहे हैं, काइंडली आप इसको हमें अप्रूव करके दें। प्रोस्पेक्टस एसईसीपी अप्रूव करेगा अगर इसमें वो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट हुई एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। वो मैंने ब्रैकेट में बता दिया, वो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं कि पब्लिक ऑफिस रेगुलेशन में वो जो आप बात हो रही थी ना कि क्या होगा, वो इस रेगुलेशन में लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस वंस अप्रूव 60 दिन तक के लिए वैलिड रहेगा। आपने एक दफा अप्रूवल ले ली एसईसीपी से, जब अप्रूवल मिल गई उसके बाद अगले 60 दिन में आप इसको कभी भी अखबार में पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन 60 दिन अगर गुजर गए तो फिर आपका प्रोस्पेक्टस मान जाएगा, आपको दोबारा से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि फॉर सम रीजन हम लोग पब्लिश नहीं कर सके थे, तो फिर एसईसीपी आपको इसमें फर्दर एक्सटेंशन 60 डेज तक फर्दर एक्सटेंशन दे सकता है। प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं हो सकता, पब्लिश नहीं हो सकता, सर्कुलेट नहीं हो सकता जब तक एसईसीपी इसको अप्रूव ना। इसी तरह से एसईसीपी से पूछे बगैर कोई बंदा कोई इश्तिहार भी नहीं चला सकता, कोई बिलबोर्ड पे नहीं लगा सकता, कोई इवन फेसबुक पे ऐड नहीं दे सकता कि आज वो फलाना कंपनी के शेयर खरीद लो, जब तक कि उसने अपना वो ऐड एसईसीपी से प्रूव ना करवा लिया हो। या अगर उसने ऐड दिया है तो उस ऐड में उसने लिखा हो कि कंपनी का प्रोस्पेक्टस फलाना जगह अवेलेबल है, उसे जाके डिटेल के लिए देखें, हमने सिर्फ एक छोटा सा ब्रोशर दिया है। ऐसा ना हो कि खूबसूरत सा ब्रोशर वन पेजर जिसको देख के लोग जज्बातियों के इन्वेस्ट कर दें, जबकि प्रोस्पेक्टस में तो रिस्क फैक्टर्स भी हैं, डिटेल्स भी हैं, प्रोजेक्ट भी है, सारा कुछ है। तो रूल ये है कि अगर आपने कोई भी ऐसी एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, कोई भी ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, रेडियो पे चलाया, टीवी पे चलाया, इंटरनेट पे चलाया, ऑन एयर किया, किसी भी तरीके से अगर आवाम को आपने कोई भी इश्तिहारबाजी की जिसमें आपने कहा कि इस कंपनी की शेयर ले लियो, और वो इश्तिहारबाजी प्रोस्पेक्टस नहीं है, उसके अलावा कोई चीज़ है, तो आपको वो भी अप्रूव करवाना पड़ेगा। या दूसरी ऑप्शन ये है कि फिर उसमें बताना पड़ेगा कि ये एक बेसिक ऐड है और डिटेल्स फलाना जगह प्रोस्पेक्टस रखा हुआ है उसके अंदर पड़ेगा, तो फिर आप उसे करेंगे। किताब ने उसको इंग्लिश में ऐसे कहा है, विदाउट प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ एसईसीपी नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट, पब्लिश, टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एन एडवर्टाइजमेंट अदर देन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अलावा भी कोई मशहूरी आप नहीं दे सकते जब तक कि आपको एसईसीपी से प्रायर अप्रूवल नहीं मिल गई। अनाउंसिंग अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें आप एक पब्लिक ऑफर का जिक्र कर रहे हैं, अनलेस के प्रोस्पेक्टस पब्लिश हुआ हो और एडवर्टाइजमेंट ने पाकिस्तान में उस जगह का एड्रेस दिया हुआ हो जहां से वो प्रोस्पेक्टस देखा जा सकता, तो दो एक्सेप्शन हो गई। आप ऐसा नहीं कर सकते, एक एक्सेप्शन एसईसीपी से अप्रूवल ले लो तो कर सकते हैं, दूसरी एक्सेप्शन प्रोस्पेक्टस पहले से मौजूद हो और आप उस प्रोस्पेक्टस का रेफरेंस देते हैं अपने एड में कि हाँ भाई वो प्रोस्पेक्टस है, वहां डिटेल से बातें लिखी। डन। देन छोटी छोटी सी बातें कि इश्यूअर या ऑफरर जो है वो किसी भी टाइम पे जो आपने प्रोस्पेक्टस में चीजें अप्रूव करवाई थी उनको बदलेंगे नहीं, ऐसा ना उनसे अप्रूव करवाया और बाद में लिखते हुए आपने प्रिंट करते हुए उसको कुछ और कर दिया, और
इसी तरह से अगर किसी भी प्रोस्पेक्टर जो एसईसीपी ने अप्रूव किया है उसकी वजह से अगर किसी को नुकसान हुआ है तो एसईसीपी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। उन्हें क्या हम ये जरूर देखेंगे कि उसमें फॉर्मेलिटीज पूरी है या नहीं, लेकिन क्या हर बंदे के सच और झूठ की जिम्मेदारी एसईसीपी ले सकता है? तो उन्हें कहा कि हम ये बस अपने तौर पे कानूनी देख लेंगे कि कानूनी कार्रवाइयां उसमें पूरी हो रही है नहीं हो रही, लेकिन फिर भी प्रोस्पेक्टस से किसी को धोखा हुआ नुकसान हुआ एसईसीपी की कोई जिम्मेदारी नहीं। लोग ये नहीं कहेंगे कि आपने अप्रूव किया तब आप हमारा नुकसान पूरा करें। तो एसईसीपी ने इंतहाई नफासत से अपने आप को बीच में से निकाल लिया कि हाँ भाई हमारा कोई कसूर नहीं। तो इस पूरे पेज पे काम की बातें गिनती की दो तीन है, एक ये कि अप्रूवल होनी चाहिए, एक ये कि कोई और डॉक्यूमेंट भी प्रोस्पेक्टस जैसा हो तो उसकी भी अप्रूवल होनी चाहिए या प्रॉस्पेक्टस को उसमें रेफरेंस होना चाहिए। और दो तारीखें हमें पता लगी, जब आप अखबार में पब्लिश करना चाह रहे हैं कम से कम 21 दिन पहले आपको एप्लीकेशन दे देनी चाहिए एसईसीपी को कि हमें अप्रूव कर। दूसरी डेट हमने ये देखी कि वंस अप्रूव प्रॉस्पेक्टस की लाइफ क्या होती है, 60 दिनों के अंदर पब्लिश हो जाना चाहिए। अब क्या होगा, आपने अप्रूवल ले ली, कहाँ कहाँ अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है? हमने कहा प्रॉस्पेक्टस की एसईसीपी से अप्रूवल लेनी है, ये उसकी एक लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन आ गई। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो एक बैंक है, अगर वो बैंक है तो बैंक को तो हमने मना किया था प्रोस्पेक्ट, लेकिन हमने बैंक को डिपॉजिट्स वगैरह में मना किया था सिक्योरिटीज नहीं। तो अगर स्टेट बैंक अपनी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है तो स्टेट बैंक चूंकि हायर अथॉरिटी है तो फिर हम कह रहे हैं ये एक मुनासिब बात नहीं है कि वो एसईसीपी से अप्रूव कर रहे। अगर सिक्योरिटीज प्राइवेटली ऑफर हो रही है, जनरल पब्लिक ऑफर नहीं हो रही, आप चंद लोगों को 15-20 लोगों को अलग से शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो ये वाली चीज के लिए आपको एसईसीपी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एसईसीपी की अप्रूवल आएगी जहां मैस पब्लिक इन्वॉल्व होगी। फिर अगर आप शेयर और सब्सिडी अपने मेंबर्स को दे रहे हैं डिविडेंड के तौर पर, याद है हमने कहा था कि हमारे पास शेयर पड़े हुए हैं और हम मेंबर्स को डिविडेंड के तौर पर बांटते हैं, अगर आप इस तरह से शेयर ऑफर कर रहे हैं तो इस वाली ऑफर के लिए एसईसीपी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने सिक्योरिटीज अपनी सिक्योरिटीज अपने मेंबर्स या एम्प्लॉइज अपने ही मेंबर्स या एम्प्लॉइज को दे रहे हैं या उनके फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं उसके लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। हम जनरल पब्लिक को नहीं दे रहे, हम अपने मौजूदा मेंबर्स या मौजूदा एम्प्लॉइज या मौजूदा एम्प्लॉइज या मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स को अगर ऑफर कर रहे हैं तो इसके लिए फिर आपको एसईसीपी वगैरह के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोनस शेयर दे रहे हैं, अपने कुछ शेयर बोनस शेयर दे रहे हैं तो भी आपको, यानी कि इन सब में देखें तो सिर्फ पब्लिक ऑफर यही है स्टेट बैंक वाइज, उसके अलावा बाकी सारी प्राइवेट वो है कि आप आपस में ही चंद लोगों में बांट रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको एसईसीपी के अप्रूवल नहीं चाहिए। ये बात समझ आई? एक स्टेप आगे चलते हैं प्रोस्पेक्टस की इशू टाइमलाइन को समझने से पहले एक दफा जरा थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट वाली डिस्कशन कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस में जो आप लिख रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में जो आप दावे कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस में जो आप बातें कर रहे हैं, देर आर ह्यूज चांसेस कि बहुत सारी ऐसी बातें हों जिसमें कंपनी वाले तो इतनी कंपिटेंसी नहीं रखते कि वो बता सकेंगे सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी वालों ने कह दिया कि जी हमारे जो टोटल एसेट्स हैं, हमारे जो फिजिकल एसेट्स हैं जो नज़र आ रहे हैं, टेंजिबल नज़र आ रहे हैं, उनकी टोटल वर्थ है 400 मिलियन और हमने अपनी बिल्डिंग्स को अभी ताज़ा ताज़ा रिवैल्यू करवाया है और उनकी वैल्यू 70 मिलियन से बढ़ गई है। अब ये कैसा जुमला है जिसके लिए शायद हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है जो वेरीफाई करे, शायद जमीनों का एक एक्सपर्ट बताए कि आप इस इलाके में जमीनों की प्राइस बढ़ने की वजह से इनके एसेट्स इतने 100 मिलियन के हो गए। कंपनी कहती है हमारे ऊपर कोई लीगल केस नहीं है, कंपनी तो कहेगी, तो शायद एक एक्सपर्ट लीगल एडवाइजर आए और वो अपनी रिपोर्ट दे और कहे वाकई मैंने देखा है लोगों पर कोई लीगल केस नहीं है। कंपनी कहते हैं कि हमारे अकाउंट्स बहुत साफ सुथरे हैं, बड़े खूबसूरत हैं और इनमें कोई मसला नहीं है, तो शायद हमें एक ऑडिटर चाहिए जो आके देखे कि बाकी अकाउंट्स खूबसूरत हैं या नहीं और उस पर कोई मसला तो नहीं। तो इसका मतलब है प्रोस्पेक्टस में बहुत सारे ऐसे दावे हैं जिसके लिए आवाम डायरेक्टर्स के जुमलों पर भरोसा नहीं करेगी जब तक कि कोई एक्सपर्ट बीच में आके ना कह दे कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसी है। तो इसका मतलब है देयर मे बी मेनी प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर एक स्टेटमेंट होगी एक्सपर्ट की जिसमें एक्सपर्ट बताएगा कि मैंने इस चीज़ को देखा और मैंने इस चीज़ को सही पाया। ये एक्सपर्ट जो है वो कौन हो सकता है, ये कोई बैंकर हो सकता है, सिक्योरिटी एडवाइजर, इंजीनियर, वैल्यूअर, अकाउंटेंट, लॉयर, एनी अदर प्रोफेशन जो उसको ये अलाउ करते हैं कि हमें तुम इस चीज़ के ऊपर ओपिनियन दे सकते हो। तो कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी ऐसा शख्स जो कि अपनी फील्ड की महारत रखता है वो आके एक्सपर्ट के तौर पर बन सकता है। तो अगर किसी भी प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट इन्वॉल्व है तो वो प्रोस्पेक्टस तभी कंप्लीट माना जाएगा जब उस प्रोस्पेक्टस के साथ उस एक्सपर्ट का जुमला दिया।
अब उस एक्सपर्ट से कंसेंट लेंगे कि हाँ भाई आप राजी हैं कि आपने एक स्टेटमेंट दी है हम अपने प्रोस्पेक्टस में डाल लें, और आपसे स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम ने 4 महीने पहले ली थी, आपने हमें वर्किंग दी थी, क्या अभी भी आप कायम हैं कि आपकी दी गई स्टेटमेंट अभी भी वैलिड है? तो अगर वो एक्सपर्ट कहता है हाँ, तो फिर हम प्रोस्पेक्टस के साथ उस एक्सपर्ट की स्टेटमेंट भी देंगे और प्रोस्पेक्टस में लिखेंगे कि इस प्रोस्पेक्टस के साथ एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट है और उस एक्सपर्ट ने अभी तक अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की। ये बात समझ आई है? थोड़ी सी मुश्किल इंग्लिश है, लेकिन अगर थीम समझ आ जाए तो कि मुश्किल इंग्लिश नहीं है। सर, इसमें जो रिस्क फैक्टर का जिक्र करना होता है वो ये एक्सपर्ट का ही होता है? नहीं, रिस्क फैक्टर कंपनी वाले बताएंगे, एक्सपर्ट उसके ऊपर वाले बताएंगे, ओपिनियन दे सकता है। एक्सपर्ट शुड बी अ पर्सन, पहली बात है एक्सपर्ट ऐसा पर्सन हु इज नॉट एंड हैज नॉट बीन एंगेज और इंटरेस्टेड इन फॉर्मेशन और प्रमोशन और इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आपके पास ये इन और फॉर्मेशन इकट्ठा आ रहा है या अलग अलग आ रहा है? जिसका कंपनी से कोई ताल्लुक आज हो या इसका कोई ताल्लुक कंपनी को बनाते वक्त कंपनी से हो। कहीं ऐसा तो नहीं है शुरू के उन दोस्तों में से जो उस वक्त चपेड़े खाकू के साइड पे हो गए थे और बने नहीं थे सब्सक्राइबर, तो ये उन लोगों से भी ताल्लुक ना हो। ये जो एक्सपर्ट है ये इंडिपेंडेंट बंदा हो, ऐसा बंदा हो जिस पे लोग भरोसा करें, कंपनी के अपने पायनियर्स में से ना हो, कंपनी के अपने मैनेजमेंट के लोगों में से ना हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट बंदा हो। प्रोस्पेक्टस दैट कंटेन अ स्टेटमेंट परपर्टिंग टू बी मेड बाय एन एक्सपर्ट, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें एक ऐसी स्टेटमेंट है, परपर्टिंग का मतलब है दैट अपीयर्स, ऐसा लगता है, एक ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें एक ऐसी स्टेटमेंट है जो लगता है कि किसी एक्सपर्ट की तरफ से आई है, और टू बी बेस्ड ऑन अ स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक्सपर्ट की तरफ से आती भी लग रही है या वो डिपेंडेंट है एक्सपर्ट की किसी स्टेटमेंट पे, शैल नॉट बी इशूड सर्कुलेट और पब्लिश अनलेस, ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक्सपर्ट की तरफ से आती भी लग रही है या एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है, ऐसा प्रोस्पेक्टस इशू नहीं होगा जब तक कि क्या ना हो जाए, एक्सपर्ट हैज गिवन हिज रिटन कंसेंट टू इशू अ प्रोस्पेक्टस विद द स्टेटमेंट इन द फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड। एक्सपर्ट ने प्रोस्पेक्टस देखा हो, प्रोस्पेक्टस में देखा हो मेरी स्टेटमेंट कहाँ लिखी हुई है, वो स्टेटमेंट किस तरह से लिखी हुई है, अगर एक्सपर्ट मानता है कि मेरी स्टेटमेंट सही तरीके से प्रोस्पेक्टस में सही जगह सही वाजे फॉर्मेट में है, तो फिर एक्सपर्ट इजाजत देगा कि हाँ भाई अब आप ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं। एंड नंबर टू, देयर अपीयर्स इन प्रोस्पेक्टस अ स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस में एक जुमला हो, क्या जुमला हो, दैट एक्सपर्ट हैज गिवन एंड हैज नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट। तो इसका मतलब अगर एक प्रोस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट है तो ये प्रोस्पेक्टस तब तक इशू नहीं हो सकता जब तक कि उस एक्सपर्ट ने ओके ना कर दिया हो और जब तक कि हमने प्रोस्पेक्टस में लिख ना दिया हो कि हाँ भाई यहाँ एक एक्सपर्ट है जिसने अपनी कंसेंट दी है और वो कंसेंट अभी तक उसने विड्रॉ नहीं किया। यहाँ कोई कंफ्यूजन है, एक्सपर्ट वाली बात समझ आ गई। अब आते हैं टाइमलाइन की तरफ, इसकी पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ये सेकंड वाला बुलेट में सबसे एंटर करूंगा। प्रोस्पेक्टस फुल टेक्स्ट या अप्रूव्ड अग्रेड फॉर्म, या तो पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस या आप उनसे अप्रूव करवा सकते हैं सीसीपी से कि जी पूरा प्रोस्पेक्टस तो 70 सफ़े का है, उसका हमने एक शॉर्ट वर्जन बनाया है 3-4 सफ़े का, इसमें बातें सारी हमने करती हैं, तो प्रोस्पेक्टस या उसका अप्रूव शॉर्ट फॉर्म शेल बी पब्लिश एटलीस्ट इन 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। ये जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं ना, एक तो होते हैं ना वो हफ्ते के हफ्ते आते हैं, महीने के महीने आते हैं, ये जो डेली आने वाले न्यूज़पेपर्स हैं उनमें से कम अज कम एक उर्दू इशू और एक इंग्लिश इशू में प्रोस्पेक्टस फुल फ्लेज या उतना कॉन्डेंस प्रोस्पेक्टस जो कि आपने अप्रूव किया हुआ था वो आना चाहिए। प्रोस्पेक्टस की सफिशियंट नंबर ऑफ कॉपीज, अच्छी खासी कॉपीज आपने अवेलेबल करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ कहाँ अवेलेबल करनी है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, इशूअर हुआ है जो शेयर इशू कर रहा है, तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस जो मुल्क में काम कर रही हैं, पुराने जमाने में 3 स्टॉक एक्सचेंज होती थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अब इस वक्त 3 स्टॉक एक्सचेंज मर्ज होकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गई है, अब ये CDC को भी एक स्टॉक एक्सचेंज का दर्जा देने लगे हैं, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा जुमला लिख दिया जो अगले कई साल तक वैलिड रहे, ऑल सिक्योरिटीज एक्सचेंज ऑफ कंट्री, तो मुल्क की जितनी भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो जो बैंकर टू द इशू है वो बैंक जो इस प्रोसेस में आपका साथ दे रहे हैं। होता क्या है, प्रोस्पेक्टस में आपने मैस पब्लिक से पैसा मांगना है, आपने अखबार में इश्तेहार दिया, अब उसका ये मतलब नहीं कि अगले दिन कंपनी के दफ्तर के बाहर जो है वो 500 लोगों का रश लगा हुआ होगा, सबके सब हाथ में पैसे लेके खड़े हुए होंगे कि पहले मैं शेयर खरीदूंगा, पहले मैं शेयर खरीदूंगा, ऐसा नहीं होता।
आप उन सबको बताते हैं कि हमारे शेयर्स जो हम ऑफर कर रहे हैं फलाना दिन ओपन है, आप उस दिन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज इश्तेहार आया अखबार में और आपने कह दिया जी 15 दिन बाद जो 15 तारीख है और 16 तारीख है, ये दो दिन ऐसे हैं जो सैटरडे संडे है, बैंक बंद होगा, लेकिन हमने फलाना बैंक से बात की हुई है, वो बैंक अपनी ब्रांचेज ओपन रखेगा, आप उस बैंक की इन इन ब्रांचेज में जाके एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। लोग जाएंगे पैसों समेत, उस बैंक में जाके एप्लीकेशन पकड़ेंगे, एप्लीकेशन में लिखेंगे कि मुझे इतने 100 शेयर्स चाहिए, मुझे इतने 1000 शेयर्स चाहिए, इस एप्लीकेशन के साथ पैसे बैंक में जमा करा देंगे, तो शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी को एप्लीकेशन होगा। यानी ये एप्लीकेशन प्रीपेड एप्लीकेशन है, ये पैसों के साथ अप्लाई, ये नहीं है कि उन्हें अप्लाई करना है फिर कंपनी कहेगी हाँ जी हमने एक्सेप्ट कर लिया चलो जी पैसे दे दो। तो जितने भी लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन देंगे वो पैसों के साथ देंगे, तो फिर ऐसे में रूल ये होता है कि कंपनी अपने ऑफिस में ये नहीं करती, कंपनी को बैंकर टू द इशू चाहिए, बैंकर टू द इशू जो उस इशू के अंदर बैकएंड पे बैंक इन्वॉल्व है। तो उस बैंकर के पास आप प्रोस्पेक्टस की कॉपियां रखवा देते हैं, सब्सक्रिप्शन फॉर्म की कॉपियां रखवा देते हैं, लोग जाते हैं वहां से वो कॉपी पकड़ते हैं, उसको फिल करते हैं, पैसे जमा कराते हैं, तो लोगों की तरफ से हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है। फिर जब हम अलॉटमेंट कर देते हैं, जब फाइनल हो जाता है कि हाँ भाई इन लोगों को मिलेगा, तो अगर तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुई हो तो फिर अंडर राइटर आगे बढ़ जाएंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए था 5 करोड़, आया 4 करोड़ की एप्लीकेशन, 1 करोड़। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो 6-7 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई और हमें चाहिए 5 करोड़, तो फिर कुरानदाजी होती है। कुरानदाजी जो शख्स करता है उसे कहते हैं बैलेटर। तो फिर आपको एक बैलेटर भी चाहिए होता है, जब भी आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाए आप सारी एप्लीकेशन उठा के उसको जमा करा देते हैं, वो फिर इंडिपेंडेंट तरीके से बैलेटिंग करके और आपको बताता है कि ये कुछ नसीब है जिनको शेयर मिले, ये वो लोग हैं जिनको नहीं मिले। जिनको मिले उनको तो आप सर्टिफिकेट दे देंगे बाद में, जिनको नहीं मिले उनका क्या करें, उनको उनके पैसे वापस करने होंगे। और अगर आपने पैसे वापस ना किए तो फिर बहुत सारे और मसले होते हैं, आपको पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा शेयर इशू नहीं करते? नहीं, एक्स्ट्रा शेयर इशू नहीं करेंगे, बस चूंकि कंपनी का मकसद शेयर इशू करना नहीं था, कंपनी का मकसद था एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे, तो प्रोजेक्ट की एक फाइनेंशियल प्लान बनता है और आप हमेशा उसी प्लान के मुताबिक लोगों से पैसे मांगते हैं। एक ऑप्शन है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो दूर तक आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रीन शू ऑप्शन। ग्रीन शू ऑप्शन ये होता है कि कंपनी को एक चलते हुए प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए, अभी उन्होंने एक एस्टीमेट लगाया और आवाम से पैसा मांगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाए तो सबको वेलकम कर लेते हैं। तो ऐसा प्रोस्पेक्टस अलग से होता है, उसमें लिखा होता है कि ये प्रोस्पेक्टस अंडर ग्रीन शू ऑप्शन इशू किया जा रहा है। यानी ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब है कि इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट तो दिस इज फॉर श्योर कि आपकी एप्लीकेशन लाजमी कबूल हो जाएगी, तो उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउड है। अदरवाइज रूल ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो जाए तो आप बैलेटिंग करेंगे, बैलेटर कुरानदाजी में जिन जिन लोगों का नाम निकालेगा उनको शेयर मिलेंगे, बाकी वो वापस कर दिए जाएंगे पैसे। तो प्रोस्पेक्टस हमने कहाँ कहाँ रखना है, रजिस्टर ऑफिस पर रख दिया, सारी स्टॉक एक्सचेंजेस पे अच्छी खासी कॉपीज रख दी, तमाम बैंकर टू द इशू के पास रख दिया, जो हमारा शेयर रजिस्ट्रार है उसके पास रख दिया, बैलेटर जो है वो जो बैलेटिंग कर रहा है उसके पास रखवा दिया, और फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर कोई है तो उसके पास भी रखवा दिया। ये उस तरह की एजेंसी है, आपको याद है ड्यू डिलीजेंस, जैसे हमने कहा था किसी को लोन देने से पहले उसकी ड्यू डिलीजेंस करा दो, उससे पता लग जाता है कि उस बंदे की कैपेसिटी क्या है, क्या उसे लोन देना मुनासिब है। इसी तरह से कई दफा क्रेडिट रेटिंग होती है, कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग होती है, गवर्नमेंट का इदारा है पैकरा, ये क्रेडिट रेटिंग्स करता है मुख्तलिफ कंपनियों की, उसकी फिर रेटिंग निकालता है कि डबल ए है, डबल ए पॉजिटिव है, डबल ए नेगेटिव है, डबल ए डबल नेगेटिव है, अलग अलग तरह की रेटिंग होती हैं। तो इससे कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता है तो वो उस इदारे की क्रेडिट रेटिंग देखता है, अगर उसे लगता है कि क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो वो उसको इन्वेस्ट करता है, अदरवाइज नहीं। तो वो वाली कंपनियां जो कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स डील कर रही होती हैं उनको जरूरत होती है क्रेडिट रेटिंग की। तो अगर कोई आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इफ एनी अगर कोई है तो फिर आप उसके पास भी रखेंगे ये सारी चीजें। अब आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपको बैलेटर का मतलब पता हो, शेयर रजिस्ट्रार का डिटेल मतलब पता हो, क्रेडिट रेटिंग का, या इवन बैंकर टू द इशू कौन है, कैसे काम करता है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बताया, आपने याद कर लेना इस लिस्ट को। प्रोस्पेक्टस और सब्सक्रिप्शन फॉर्म, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा और वो वहां एंड तक रहेगा, जब तक सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस क्लोज नहीं हो जाता तब तक उस वेबसाइट पे रहेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी हमने सेकंड पॉइंट नहीं देखा, बैलेटिंग की जगह ऑक्शन भी कर सकते हैं? नहीं, असल में ऑक्शन में सारे लोग कहाँ से आएंगे, ये तो पूरे पाकिस्तान का प्रोसेस है ना, लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अब हम ऑक्शन के लिए क्या फिर सारे पाकिस्तान से सब लोगों को बुलाएं और हजारों लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक सिंपल सा सिस्टम रखा, ऑक्शन से बिला वजह रेट बढ़ जाएगा जब लोग ज़्यादा खरीदार होंगे, तो हम ये नहीं चाह रहे, इस वक्त मकसद कमाना नहीं है, इस वक्त मकसद है कि लोगों की एक्सेस में एक चीज़ आ जाए।
हज में भी ऐसे होता है, हज की एप्लीकेशन जब ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि ज़्यादातर ज़्यादा ही होती हैं, तो फिर वो पैसा लोगों को वापस किया जाता है, कुरानदाजी होती है, कुछ लोगों का नाम निकलता है, कुछ का नहीं निकलता। उस टाइम पे एक आसान ऑप्शन है कि बलेटिंग करा लीजिए, वो ऑक्शन करा लीजिए, तो लोग आए तो ठीक है, फिर क्या होगा सर, अमीर लोग हज पर जा रहे होंगे, गरीब बंदा नहीं जा सकेगा। तो इसलिए जब पब्लिक एट लार्ज को देखना है तो फिर ये अच्छी ऑप्शन है। जी सर, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रही है तो वो जो एक्स्ट्रा है वो हमें वापस करना जरूरी है या पेनल्टी पड़ती है? नहीं, वापस करना जरूरी है। अगर हम वापस नहीं करेंगे तो एक खास टाइम गुजरने के बाद वो आपको 15 दिन का मार्जिन देते हैं, उसके बाद आपको 2% पर मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाता है, लॉ ने ये फिक्स किया है। तो उन्हीं को देना होता है जिनके पैसे आपने देर से वापस किए, उनको इंटरेस्ट देना होता है। सिर्फ एक अथॉरिटी पैसे वापस नहीं करती, गवर्नमेंट। हज की एप्लीकेशन 6-7 महीने पहले ले लेते हैं और अच्छा खासा बाद में वापस करते हैं, उस दौरान उस पैसे से अपनी बहुत सारी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। 2% में से बहुत कम है, 2% पर मंथ है, 24% साल में पर मंथ है, और पर मंथ और एनी पार्ट दे रहा हूँ कोई भी। उसमें इंशाल्लाह फाइनल में आएंगे तो फाइनल में तो तकरीबन कोई 7-8 लॉज हैं शेयर कैपिटल के, तो वहाँ पर पूरा प्रोसेस मजीद खूबसूरत तरीके से। इधर तो बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा के चलना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा ना बता दिया, जब बताने के बाद देखता हूँ कि हाँ जब लिखा था ना, हाँ ठीक है, ज़्यादा तो नहीं बता दिया। जी यहाँ तक सारी बात समझ आ रही है, अब तारीख पे बात करते हैं। प्रॉस्पेक्टस में जो पॉइंट जिस पे वो थोड़ा सा उलझाते हैं या जिसको कन्फ्यूज करते हैं वो डेट्स हैं। अभी तक हमने दो रूल पढ़े, एक रूल ये पढ़ा कि प्रॉस्पेक्टस जिस दिन आपने अखबार में पब्लिश करना है कम से कम 21 दिन पहले भेजते हैं CCP को अप्रूवल। ये बात क्लियर है? इसका मतलब एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि जिस दिन आपने अखबार में पब्लिश करना है उससे कम 21 दिन पहले इसकी अप्रूवल के लिए भेज देना चाहिए। तो अगर पेपर में स्नेरियो आए कि आपने इस दिन अप्रूवल के लिए भेजा और इस दिन आप पब्लिश करने लगे हैं, तो आपने सबसे पहले देखना है कि 21 दिन का फासला है बीच में, ठीक होगा। जब अप्रूव होके आ जाए प्रॉस्पेक्टस तो कितने दिनों तक पब्लिश करना है? 60। तब आपने ये देखना है कि अप्रूवल की डेट क्या है और पब्लिशिंग की डेट क्या है, दोनों में 60 दिन से बड़ा फासला नहीं होना चाहिए, याद रहेगा। ये भी दो डेट्स हैं, एक डेट है अप्रूवल और एक डेट है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन का मतलब अखबार में किस दिन आया, अप्रूवल का मतलब वो जो आपने CCP से, तो इसका मतलब है अप्रूवल की डेट और पब्लिकेशन की डेट में कम से कम फासला किस दिन होना चाहिए अप्रूवल के लिए अप्लाई करने में, और अप्रूवल आ जाने के बाद और पब्लिश की डेट में ज्यादा से ज्यादा कितना फासला होना चाहिए। इस जुमले को थोड़ा सीधा करके बोलता हूँ, अप्रूवल के 21 से 60 दिनों के अंदर अंदर पब्लिश कर देना चाहिए। प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल के 21 से 60 दिनों के अंदर अंदर आपको चाहिए कि आप उसको पब्लिश करें, यहां तक सही है? अब आगे चलते हैं। पब्लिश डेट में आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की डेट बताएंगे, आप ये बताएंगे जैसे आज अखबार में आया तो उसमें लिखा होगा कि 15 दिन बाद फलाना जगह पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो फलाना दिन आपने बताया ना वो सब्सक्रिप्शन डेज है। सब्सक्रिप्शन डे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, अगर एक से ज्यादा हो तो एक ओपनिंग डे होगा और एक क्लोजिंग डे होगा। इन एनी केस ये जो सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग डे है, जो पहला दिन है, वो आपकी प्रॉस्पेक्टस की जो पब्लिशिंग डेट है उससे 7 दिन से छोटा नहीं होना चाहिए। आज अगर अखबार में इश्तेहार आया तो ये नहीं कह देना कि कल आ जाओ और आपको शेयर मिल जाए, कम से कम लोगों को टाइम देंगे एक हफ्ते बाद। तो पब्लिश की डेट और सब्सक्रिप्शन की जो स्टार्टिंग डेट है उसमें कम से कम कितना फासला होना चाहिए? 7 डेज। फिर दूसरा रूल है, ऐसा ना हो कि पब्लिश करने के बाद आप कहें कि 4 महीने बाद आ जाओ एप्लीकेशन लेके, ऐसा नहीं है, आप उनको टाइम मुनासिब देंगे। ज्यादा से ज्यादा आप पब्लिकेशन डेट से जो फासला रख सकते हैं वो 30 दिन का है। तो कम से कम फासला कितना है? और ज्यादा से ज्यादा 30। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिकेशन की डेट से 7-30 दिनों के अंदर अंदर आपको उसको सब्सक्रिप्शन के डेज दे देने होंगे। सब्सक्रिप्शन के डेज ज्यादा से ज्यादा खत्म हो सकते हैं 30वें दिन तक, और अर्लीस्ट शुरू हो सकते हैं 8वें दिन से। 7 दिन का कम से कम क्या है? ये जुमला थोड़ा सा उलट तरीके से लिखा है, It shall be published in newspaper at least 7 days and at most 30 days before the commencement of public subscription. वो public subscription से पीछे की तरफ गिनती कर रहे हैं। हमने आगे की तरफ गिनती की है ना कि publishing से आगे 7-30 दिन का gap होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि subscription जिस दिन हो रही है उससे कम से कम 7
से 30 दिन पीछे पीछे आपने पब्लिश किया अखबार डन। थोड़ा सा ये मैप कुछ इस तरह से भी बदल रहा है। बोर्ड के साथ प्रश्न ऑटोमेटेड पे चलना चाहिए। ये डेट ऑफ अप्रूवल है, ये इस डेट के 21 दिन और इस डेट के अप्रूवल के लिए कम से कम 21 दिन पहले अप्लाई कर देना, और अप्रूवल जब मिल जाए तो 60 दिन के लिए वैलिड है। इसका मतलब है यहां दरमियान में किसी भी दिन आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? देखे ना, ये वाली पब्लिश डेट, ये डेट अगर जीरो है तो ये डेट इस डेट से कम 21 दिन बाद है, और ये डेट इस डेट के 60 दिनों के अंदर अंदर। इसका मतलब है कि अप्रूवल से 21 से 60 दिनों के बीच में कोई टाइम ऐसा होना चाहिए जब आप उसको पब्लिश करें। यहां तक बात क्लियर है? यस। अब फर्ज करें पब्लिश वाली डेट को दोबारा से जीरो नॉट ले लेते हैं, ये नया वाला जीरो है। अब यहां से कम से कम 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन हो जानी चाहिए। सब्सक्रिप्शन यानी कि वो एप्लीकेशन वाला है। ये इसको 7 नॉट और 30 नॉट कहते हैं, नए वाले 7 और 30। तो ये तीन तारीखें, पहली तारीख अप्रूवल, दूसरी पब्लिकेशन, तीसरी सब्सक्रिप्शन। अप्रूवल से पब्लिकेशन के दरमियान कम से कम दिन है 21 और ज्यादा से ज्यादा दिन 60। पब्लिशिंग से सब्सक्रिप्शन के दरमियान कम से कम दिन कितने? 60 और ज्यादा से ज्यादा 30। तो ये ज़हन में रखना है, अगर पेपर में कभी भी कुछ सिनेरियो आया और आपको 2-3 तारीखें दे तो आपने इन 2 तारीखों के दरमियान यानी कि अप्रूवल और पब्लिकेशन में मिनिमम 21 और मैक्सिमम 60। और इसी तरह से पब्लिकेशन से जब आगे सब्सक्रिप्शन की तरफ चलें तो मिनिमम 7 मैक्सिमम 30 मैक्सिमम 30। ये टाइमलाइन है, यानी कि प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में अगर एक टेक्निकल सिनेरियो बना सकते हैं तो वो डेट्स में आपको उलझा सकते हैं, और 2-3 ऐसे सवाल हैं जिसको उन्होंने डेट्स में आपको उलझाया है। लेकिन अगर ये बात समझ आ जाए तो फिर ये इतना बड़ा मसला नहीं। जी सर, वो प्रोस्पेक्टस जो 60 डेज के अंदर एक्सपायर हो रहा होता है, जी जी, वो जब हम बनाते हैं उसके 60 डेज होते हैं? जब आपको अप्रूवल मिली होती है, बनाया तो बहुत पहले होगा, एक दिन बना लिया उसके पता नहीं कितने दिन बाद अप्रूवल दे अप्लाई किया, तो लॉ ने उस टाइम को तो इग्नोर कर दिया। वो कहते हैं जब आपने अप्रूव करवा लिया, अप्रूव हुआ वो प्रोस्पेक्टस आपके हाथ में आ गया, अप्रूवल जो SECP की है वो 60 दिन तक जिंदा रहेगी। इन 60 दिनों में आपको लाजमी इसको अखबार में पब्लिश करना है। मैं ये नहीं कह रहा 60 दिनों में लोगों से पैसे मांग लें, अखबार में कम से कम 60 दिनों में आ जाना चाहिए। अब अखबार में जब आ जाए तो फिर अगली तारीख से मैच होगा कि अखबार में जब आया तो अखबार वाली तारीख जिस दिन आया है उससे सब्सक्रिप्शन डेज में कम से कम कितना गैप रखना चाहिए? 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30। ये टाइमलाइन अगर रेंज में होगी तो फिर मसला हल हो जाएगा। सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम? डेट्स वो सही तरह से याद नहीं होती, डेट सही से याद नहीं होती तो रटा लगा कहां पे मसला आ रहा है? इस सारे में मसला है। आप इसको याद कर लें, अप्रूवल, पब्लिकेशन, सब्सक्रिप्शन,
और यहाँ लिख दें मिनिमम 21 मैक्सिमम 60, यहाँ लिख दें मिनिमम 7 और मैक्सिमम 20। अब लेफ्ट से राइट की तरफ सफर शुरू करते हैं। अप्रूवल से पब्लिकेशन कम से कम कितना फासला होना चाहिए? 21 days। अप्रूवल से पब्लिकेशन ज्यादा ज्यादा कितना फासला होना चाहिए? 60 days। पब्लिकेशन से सफर शुरू करते हैं। पब्लिकेशन से सब्सक्रिप्शन 7 days। पब्लिशर से सब्सक्रिप्शन 30 days। आगे से पीछे आते हैं, सब्सक्रिप्शन से कम से कम कितने दिन पहले पब्लिशिंग होनी चाहिए? 7। सब्सक्रिप्शन से ज्यादा कितने दिन पहले पब्लिश होना चाहिए? 30 days। पब्लिशिंग से कम कितने दिन पहले अप्रूवल को अप्लाई करना है? 21 days। पब्लिशिंग से कम से कम कितने दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पहले अप्रूव हो चुका? 60 days। तो आप लेफ्ट से राइट सफर कर लेंगे, राइट से लेफ्ट सफर कर लेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम आपको याद रहेगा। पब्लिशिंग के बाद ही सब्सक्रिप्शन हो सकती है? जी बिल्कुल। देखिए अप्रूवल क्या है, SACP ने आपको ठप्पा लगा के दे दिया है, लो पढ़ो प्रॉस्पेक्टस डाल दो अखबार में, ये अप्रूवल क्लियर है। पब्लिशिंग का मतलब है वो दिन जिस दिन अखबार में इश्तिहार दे दिया आपने पूरे पाकिस्तान के अखबार में, मतलब वो जो आपने ऊपर ही नहीं किया था फुल टेक्स्ट में, वो अखबार में आ गया और उसी वक्त आपने सारी जगह पर डिलीवरी कर दिया। तो वो है डेट ऑफ पब्लिकेशन, जिस दिन अखबार में पहली दफा दुनिया के सामने पब्लिकली वो आ जाएगा। अच्छा, तीसरा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो डेज है जिसपे अप्लाई करेंगे लोग अप्लाई कब करेंगे? जब उन्हें मिलेगा, जब उन्हें पता लगेगा कि एक ऐसी चीज है। उन्हें पता कैसे लगेगा? अखबार से। इसका मतलब अखबार में पब्लिकेशन पहले होगी, पब्लिकेशन में लिखा होगा आ जाओ जी इतने दिनों बाद फलाना बैंक में अपनी दरखास्त लेके आ जाओ। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो दरखास्त वाला दिन है, जिस दिन लोगों ने पैसों समेत एप्लीकेशन दी है ना, वो सब्सक्रिप्शन। क्लियर? डन। कंप्लीट चैप्टर में ये कंप्लीट जो प्रोस्पेक्टस का पोर्शन है, इसमें कोई सवाल? जिसको मैं जान के पी जाता हूँ वो एक फर्क है। मैं एक नया वेरिएबल बीच में ऐड नहीं करना चाहता कि आप लोग परेशान हो। ये जो ये किस दिन है ना, ये अप्रूवल के लिए अप्लाई करने वाले, आपने अप्लाई कम से कम 21 दिन पहले कर रहे उससे आगे 60 days। ठीक है, और जब मिलेगा, जब अप्रूव हो के आपके हाथ में आएगा, वहां से 60 दिन काउंट होगा। तो टेक्निकली ये एग्जैक्टली 21 टू 60 नहीं है। तो अगर आपने इस 21 की बात समझनी है तो पब्लिशिंग और अप्रूवल के लिए भेजने के दरमियान जो फर्क है वो कम से कम 21 दिन काउंट होगा। ये बात समझ आ रही है? लेकिन अप्रूव होने के अगले दिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अप्रूवल के लिए भेजना और अखबार में आने के दरमियान कम से कम फासला कितना होना चाहिए? 21। तो इसलिए ना ये 21 दिन शुरू में काम किए, असल कहानी है 60 दिन की। आप कहेंगे अप्रूव प्रोस्पेक्टस 60 दिनों के अंदर अंदर पब्लिश हो जाना चाहिए और भेजना कम से कम कितने दिन पहले चाहिए? आप कहेंगे जो भी आपका प्लान डे है ना पब्लिशिंग का, उससे कम से कम 21 दिन पहले अप्लाई जरूर करते हैं। मेन डेट पब्लिश की है क्योंकि पब्लिश वाले दिन दुनिया को पता लगेगा। जी, प्रोस्पेक्टस और इससे रिलेटेड कोई सवाल? सर, रजिस्ट्रार की फाइल भी करवा दीजिए। क्या चीज? रजिस्ट्रार को इस दिन करते हैं, जिस दिन अखबार में आता है वो पीछे लिखा होता है। थोड़ी सी पुरानी बात है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन। रजिस्ट्रार को आपने पब्लिकेशन वाले दिन या उसे इमीडिएट पीछे पीछे एक कॉपी भेज दी। तो रजिस्ट्रार का ये 21 दिन और ये प्रोसेस नहीं है, ये SACP के अप्रूवल का प्रोसेस है। जी, प्रोस्पेक्टस में कोई कन्फ्यूजन? इस चैप्टर में एक टॉपिक को अभी भी हमने होल्ड पे कर लिया, विच इज
कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कल इंशाल्लाह ताला कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शुरू करते हुए, यानी कि वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उसको डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 7 में एंटर हो जाएंगे और परसों इंशाल्लाह ताला चैप्टर 7 को एक मंथ तक की एग्जाम तक पहुंचाएंगे। चलिए 60 दिन पीछे तीनों से आगे शुरू होंगे या उसी में काउंट होंगे? वो जिस दिन अप्रूव हो गया ना बस वहां से 60 दिन अलग से 60 आगे आगे मजीद 60 डन। सर ये जो रजिस्ट्रार को फाइलिंग करनी है, एससीसीपी से जो अप्रूव हुआ होगा उसकी करें? बिल्कुल है, एससीसीपी से अप्रूव हुआ होगा तभी तो हम पब्लिश कर सके होंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि पब्लिश करने वाले दिन या उससे थोड़ा सा पहले रजिस्ट्रार को। इसमें जो पेनल्टी लिखी हुई है और आपने जो बताई है 50 नहीं, ये पेनल्टी है रजिस्ट्रार को ना फाइल करने की, वो पेनल्टी है झूठ बोलने की, पब्लिक से अगर झूठ बोला जी। डन ठीक है, तो बस अब आप लोगों ने पहले 3 सफ़े, वो जो आखिरी सफ़े पे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है उसको नहीं, 3 सफ़े बनते हैं ठीक है, तो आखिरी सफ़े का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं पढ़ना, बाकी उसने पढ़ के आना है। तो कल इंशाल्लाह ताला इसे खत्म करके चैप्टर 7 में दाखिल होते हैं और परसों एक आखिरी बार करते हैं इंशाल्लाह, फरवरी आने से पहले पहले जो है वो सिलेबस खत्म कराने वाला जो वादा था उसको पूरा करते हुए। माइंडिंग अप तो हम लोगों ने किया है, एक भाई ने कहा था कि अगर आप एंड भी याद करा देंगे तो चले ठीक है, फिर आप अपने एंड भी याद कराना है, देखेंगे कि एंड को उसके साथ क्या किया।